ओके स्टूडेंट्स, रियली विश आप सब ठीक होंगे। केमिकल बॉन्डिंग पे जो है हम बात कर रहे थे, और केमिकल बॉन्डिंग में वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फिनोमिना, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स इंटरप्रेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में, और कैसे लिविस ने ये सब आइडियाज़ को क्लियर किया। देन वी कम टू नो अबाउट कि ज्योमेट्री को भी लेकर क्वेश्चंस थे, लिमिटेशंस थी लिविस की थ्योरी में, तो उसको वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, उसने इसको एक्सप्लेन किया काफ़ी हद तक। और उसके बाद जो है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आई, और उसमें बताया गया कि कैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, और उससे पहले मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया। आज के टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन को आगे लेकर चलेंगे, और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन में कैसे जो है वो यू कैन से दैट के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, इसकी हम बात करेंगे। इसमें बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है एक एग्जांपल है, और इसके अलावा इसमें इथाइन की एग्जांपल है। सो यू जस्ट हैव टू मेंशन योर माइंड, बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड इथाइन, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दिस दीज एग्जाम्पल्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम सबसे पहले इथाइन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। वी जस्ट थिंक अबाउट कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, और मास नंबर जो है वो 12 है। सो यू कैन जस्ट टेक इट अप एंड डाउन, उल्टा हो गया। तो इसमें जो है कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2 एंड 2px, 2py एंड 2pz। सो देर इज़ वन इलेक्ट्रॉन इन दिस एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन दिस। अब ये इसका वैलेंस शेल है, राइट? यू कैन से दैट कि दिस इज द वैलेंस शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट इज दैट हमने sp हाइब्रिड करना है इसमें। तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, तो आप इसको इसकी एक्साइटेड फॉर्म में ले आएंगे, तो फिर s इलेक्ट्रॉन जंप कर कर वो z में चला जाएगा। तो अब क्या होगा, हम सिर्फ इसको हाइब्रिड करेंगे, यानी इन दो शेल्स को आपस में हम हाइब्रिड कर देंगे, और इसको और इस जो ऑर्बिटल है 2py एंड 2pz, इसको हाइब्रिड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएंगे दो ऑर्बिटल्स, विच इज 50-50%, राइट? sp इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज ऑल्सो sp इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर कॉल्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? क्योंकि s और p का करेक्टर इसमें 50-50% होगा, ये आपने याद रखना है। अब वी इफ यू वॉन्ट टू मेक इथाइन, तो डेफिनेटली वी गॉट सम टू कार्बन एटम्स इन इट, तो उसको देख लें अब। लेट्स लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम, एंड दैट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दैट इज अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मैंने आपको इधर बना के दिखा दिया है, ठीक है? ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है एक कार्बन का, दैट इज द न्यूक्लिया, यू कैन से दैट ये सेंटर में न्यूक्लिया बन गया। तो लेट्स मेक अनदर अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट? सो दैट्स द अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड लेट्स मेक अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स द अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखें जो कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा y ऑर्बिटल्स भी हैं और z ऑर्बिटल्स भी हैं, तो लेट्स मेक इट y, दैट्स द y, यू कैन से दैट कि ये कोई हाइब्रिड नहीं है, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही होंगे। एंड लेट्स मेक द z, राइट? आई एम जस्ट मेकिंग विद द डॉट लाइंस, दैट इज द z, एंड लेट्स मेक इट y अगेन, सॉरी आई एम गोना मेक इट y विद अ प्रोमिनेंट लाइन, एंड लेट्स मेक इट z, राइट? दैट्स द z। सो व्हाट व्हाट यू आर वंडरिंग नेक्स्ट इज दैट यहाँ पर देखें ये दोनों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर जो हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। यू नो दैट हेड टू हेड अप्रोच जो है वो सिग्मा होती है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दीज आर कॉल्ड दी वाई ऑर्बिटल, पी वाई, राइट? दैट इज कॉल्ड पी वाई,
that is called py, that is called pz, that is also called pz, that is called sp, that is called sp, and that is another sp orbital, that is another sp orbital. So the total orbitals are being there. अब आप एक बात याद रखिएगा सब स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये दोनों आपस में ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये डबल साइडेड से ओवरलैप करेंगे. तो जब डबल साइड से ओवरलैप करेंगे तो फिर एक नया ऑर्बिटल बनेगा वाई का, विच इज कॉल्ड एज द कंडेंस शेप ऑफ पी वाई, राइट. ये कंडेंस हो जाएंगे, द क्लाउड विल बी लाइक दिस. आई एम गोना मेक इट विद द ब्लैक नाउ. लुक एट दैट, ये न्यूक्लियाई के ऊपर ये क्लाउड कंडेंस होगा, ठीक है. और ये जो जी ऑर्बिटल्स हैं डेफिनेटली ये भी क्या करेंगे, ये भी आपस में क्या कर जाएंगे, डेफिनेटली दिगना मेक अ बॉन्ड एज वेल, ये भी ओवरलैप कर जाएंगे. बट ये दोनों साइड से ओवरलैप करेंगे, जिस तरह आपको जरा प्रॉपरली देखना पड़ेगा. थोड़ा सा मैं शाशलिक सा बन गया है, बट आपको जरा प्रॉपरली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो आई एम जस्ट मेकिंग इट ओवर हियर, राइट. लेट मी मेक इट विद द ब्लू. ये जो मैंने ब्लू से एक क्लाउड सेट किया ऊपर और नीचे, दैट इज ऑफ द जी पी जी, राइट. देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये पी जी का अपना दर भी आ रहा है. और ये पी वाई है, राइट. ये पी वाई, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सेट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है. और दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे. अब द थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर इज दैट कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन एस पी की होगी, और जो जी है वो तो वैसे ही कोलेटरली उनके क्लाउड आपस में कंडेंस कर जाएंगे. ये बात याद रखनी है. अब देखें, आपने देखा कि कार्बन एटम ने पहले सिंगल बॉन्ड बनाया था, sp हाइब्रिड बनाया था, राइट. sp हाइब्रिड और sp हाइब्रिड, दैट वाज सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद कार्बन ने जो उसका ओवरलैप हुआ था किसके साथ, pz के साथ, या py से कर लें, py ओवरलैप किए थे. तो ये कौन सा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड. और जो उसके बाद तीसरा जो ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड हुआ था, दैट वॉज पी जी, राइट. दैट वॉज पी जी. तो यू कैन से दैट के दूसरा जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ था, दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए थे, वो भी पाई बॉन्ड बना रहे थे. अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिटल बचा है, विच इज sp ऑर्बिटल. यहाँ पर भी sp ऑर्बिटल बचा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट. हाइड्रोजन, यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन आकर बॉन्ड बना देगा. और यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन को लाकर बॉन्ड बनवा दें तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एस बॉन्ड होता है. सो यू कैन जस्ट लुक एट इट ओवर हियर, ये सिग्मा बॉन्ड है. और यहाँ पर भी आप देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है. ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s1 ऑर्बिटल, राइट, 1s ऑर्बिटल. सो sp का जो है, यू कैन से दैट कि जो बॉन्ड है वो s ऑर्बिटल के साथ होगा. तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इसमें दोनों कार्बन एटम आपस में sp हाइब्रिड है, तो इसलिए ये एग्जांपल होगी, इथाइन है, अनसैचुरेटेड है, sp हाइब्रिडाइजेशन की इथाइन एक एग्जांपल होगी. एक और बात नोटिस में रखिएगा, इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं. तो लिहाजा जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ना एज कम्पेयर टू ईजी है. तो इसलिए यू कैन से दैट की इथाइन एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो अपने पाई बॉन्ड्स को आराम से तोड़ सकेगा. तो दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, ये अपने बॉन्ड को इजिली, जो दो बॉन्ड्स हैं उनको इजिली ब्रेकआउट कर सकता है. अब उसके बाद जो एग्जाम्पल कोड की जा रही है बुक में, दैट इज बेरिलियम डाइक्लोराइड. तो बेरिलियम डाइक्लोराइड को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. बेरिलियम डाइक्लोराइड में अगर हम देखें तो बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन एटम्स की आपस में मिक्सिंग है. तो बेरिलियम जो है, दैट इज द, दैट इज द, व्हाट डू यू गेस, हाउ इज इट, एट व्हाट स्टेज इन द पीरियोडिक टेबल, या इट्स समथिंग लाइक फोर्थ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैविंग द नाइन्थ एटॉमिक मास. तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इन नंबर, इसके पास जो है टोटल इन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 1s2 एंड 2s2, राइट. दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब व्हाट यू आर वंडरिंग हियर इज दैट के इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं जब ये फॉर्म होंगे तो हाउ गना दे बी फॉर्म. ओके, सो I was working with you with beryllium dichloride,
एट ब्रिलियम डाइक्लोराइड में कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट इज द क्वेश्चन. एज आई टोल्ड यू के इसमें जो है वो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 1s2 एंड 2s2, राइट. अब इसके जो px, वी गोना से 2px 2py एंड 2pz, ये ऑर्बिटल सब जो है ये एम्प्टी है. सो व्हाट यू कैन गेस इज दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो s में इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके 2px में आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन s में आ जाएगा तो फिर ये ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे. तो व्हाट डू वी कॉल दिस, sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट. वी कॉल दिस एज अ sp हाइब्रिडाइजेशन. लुक एट दैट, sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड. सो वन इलेक्ट्रॉन इन sp, अब ये नया एक ऑर्बिटल बन जाएगा sp हाइब्रिड. सो ब्रिलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं यहाँ पे, राइट. और इसमें अब ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे आर जस्ट नॉट बीइंग देयर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, राइट. तो यहाँ पर आप देखें, ये ब्रिलियम का न्यूक्लियस है. सो लुक एट दैट, ब्रिलियम का न्यूक्लियस में ये sp हाइब्रिड बना दिया मैंने, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आई एम गोना मेक इट अनदर वन. लुक एट दैट, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना दिया, राइट. अब ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यू नो दैट. अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो लुक एट क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन के साथ हमने अब एडजस्ट करना है इसको. क्लोरीन इज समथिंग लाइक 1s2 2s2 2p6, राइट. सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 एंड 3p5. लुक एट दैट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 17 इलेक्ट्रॉन्स. सो वैलेंस शेल क्या होगा, ये s2p5. लुक एट दैट, s2p5 को देखते हैं क्योंकि ये वैलेंस है. सो 3s2, ओके, गोना मेक इट 3py, सॉरी 3px, 3py एंड 3pz. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 5, 1 2 3 ओके 4 5. सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ पी, राइट. तो अब आप जो है, अगर पी में देखें, देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इसकी जो है कोलेटरल एडजस्टमेंट कैसे होगी, राइट. यू कैन से दैट कि यहां से जो एक जी ऑर्बिटल जो अभी एम्प्टी है उसको आप फिल कर लें, राइट. एफ बो प्रिंसिपल को फॉलो करें, लोअर ऑर्बिटल ये होगा और ये ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी रहेगा, यानी एक्स ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है. सो एक्स ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, 3px कैसे होगा, लाइक दिस, मेक इट 3px. एंड 3px ऑर्बिटल जो है इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, देयर इज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन से दैट कि वो 3px ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, इसके साथ एडजस्ट होने, राइट. लुक एट दैट, सो दैट्स द एडजस्टमेंट. एंड ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है. सो ये है 3px ऑर्बिटल. व्हाट डू वी कॉल दिस, 2sp ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल कह लें उसको, 3px ऑर्बिटल. और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, और देखें दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और किसी भी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट्स रियली मेक अस क्लियर कि जो बेरिलियम है वो एक लीनियर ज्योमेट्री रखता है क्लोरीन के साथ. लुक एट दैट, दैट इज sp एंड 3px हाइब्रिड, sp एंड 3px हाइब्रिड, राइट. एंड दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, यू कैन से दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड. सो दैट रियली मेक्स अस क्लियर कि बेरिलियम डाइक्लोराइड में जो है देयर इज अ sp हाइब्रिड सिचुएशन, राइट. सो दैट इज हाउ वी कैन जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड. आई रियली विश कि आपको मेरे इस लेक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन का टोटली आइडिया हो चुका होगा. थैंक यू सो मच, दैट्स इट.